नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेंद्र आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डाइस, और डाइस का जो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पासे में या एक पासे की दो स्थितियां दी होंगी, उसमें आपको टू सरफेस कॉमन होगा। ठीक है, तो अभी तक हम आगे जो पढ़ चुके थे उसके आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे होगा टू सरफेस कॉमन डाइस। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो यहाँ पे कि टू सरफेस कॉमन डाइस कैसे होगा। ठीक है, टू सरफेस कॉमन डाइस कैसे, हमने यहाँ पे लिखा दो तीन छ, फिर तीन एक छ। अब देखो यहाँ पे हमने एक ही पासे की दो स्थितियां बनाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में देखें यहाँ पे तीन और छह कॉमन है, तीन और छह कॉमन है। ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जब टू सरफेस कॉमन डाइस होगा तो वहां पे कभी भी अन्य जो होंगी उनको हम क्लियर नहीं कर सकते। मतलब जब जो दोनों में कॉमन है उनका हम अपोजिट कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इनका हो जाएगा अपोजिट। यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया दो और एक, तो इसका मतलब ये है कि दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, दो का अपोजिट हो जाएगा एक, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि तीन का अपोजिट क्या होगा और छह का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होना चाहिए कि जो इसमें नहीं दिख रहा है, बताओ क्या नहीं दिखा। अगर एक पासा है तो उसमें कितना अंक भरा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छ। ठीक है, आपको दो दिख रहा है, क्या दो होगा, नहीं होगा, एक दिख रहा है, एक होगा, नहीं होगा। तो तीन और छह में देखो क्या नहीं दिख रहा है आपको, चार और पाँच नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि तीन का अपोजिट क्या होगा, या तो चार होगा या तो पांच होगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, तीन का जो अपोजिट होगा या तो चार होगा या तो पांच होगा। इसी प्रकार अगर हम छह का अपोजिट पूछ लें तो क्या होगा, या तो पांच होगा या तो चार होगा। तो ध्यान आपको यह रखना है कि जब भी टू सरफेस कॉमन डाइस होगा तो उसमें जो बच जाएगा वो क्या होगा, उनका अपोजिट होगा, लेकिन जो कॉमन है उनका अपोजिट अगर हम पूछें तो जितने भी हिडन हैं वो आएंगे, लेकिन इधर में आएंगे, इधर और में आएंगे। जैसे यहाँ पे तीन और छह क्या है, टू सरफेस कॉमन है, तो हम अगर तीन का कॉमन पूछें या तीन का अपोजिट पूछें तो क्या होगा, तीन का अपोजिट होगा या तो चार होगा या तो पांच होगा, छह का अपोजिट क्या होगा, या तो चार होगा या तो पांच होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और हम देखते हैं इसी प्रकार में, एक और डाइस हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और लिखा, इसमें लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन कि इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सॉल्व कर दोगे उसे, कैसे हम विदिन सेकंड उसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए ई, और हमने लिखा यहाँ पे एफ, फिर हमने लिखा ए एफ, फिर हमने लिखा यहाँ पे बी। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए एफ का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा और ए का अपोजिट क्या होगा। देखो पहले ध्यान से मेरी बात समझो, अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कि ये पासा कैसा है, क्या ये टू सरफेस कॉमन डाइस है, क्या वन सरफेस कॉमन डाइस है, क्या ये नो सरफेस कॉमन डाइस है। तो हमको पता है कि यहाँ पे ए और एफ दोनों में कॉमन है, तो ए और एफ दोनों में कॉमन होंगे तो उस अकॉर्डिंग यह डाइस कैसा होगा, यह डाइस होगा टू सरफेस कॉमन डाइस। और जब टू सरफेस कॉमन डाइस होगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, इन एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है ई, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो टू सरफेस डाइस में, टू सरफेस कॉमन डाइस में सिर्फ एक ही चीजें वहां पे क्लियर होती हैं, ये सिर्फ एक ही जो आपका सरफेस होगा वही क्लियर होगा, यानी E और B का अपोजिट क्लियर है, लेकिन यहाँ पे A और F का अपोजिट क्लियर नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि A का अपोजिट क्या होगा, F का अपोजिट जो यहाँ पे हिडन है, हिडन मतलब जो छुपा हुआ है, वो क्या होगा, इनका दोनों का अपोजिट होगा। तो A का अपोजिट क्या होगा, या तो C होगा या तो क्या होगा, D होगा। F का अपोजिट क्या होगा, या तो C होगा या तो D होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे आसानी से। अब कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। देखो ध्यान से, पहले जैसे हम यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आपको यहाँ पे दो एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि इस पासे से हम कौन सा पासा बना सकते हैं, और आपको चार ऑप्शन में दिए हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या टू सरफेस कॉमन है, क्या वन सरफेस कॉमन डाइस है, क्या नो सरफेस कॉमन डाइस है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे चार और दो क्या है, चार और दो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो हमको मालूम हो गया कि कैसा है, ये है टू सरफेस कॉमन डाइस। और टू सरफेस कॉमन डाइस में जो बच जाएगा वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट।
तो छह का अपोजिट क्या हो जाएगा? तीन। अगर हम दो का अपोजिट पूछें तो जो हिडन है, हिडन क्या है इसमें? एक, या तो एक आएगा या तो पांच आएगा। ऐसे चार का अपोजिट क्या होगा? या तो एक आएगा या तो पांच आएगा। अब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो देखो पहले ध्यान से इसमें अगर हम देखें तो विकल्प अगर हम देखें तो उस अकॉर्डिंग इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखो यहाँ पे छह का अपोजिट क्या है? तीन। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि जब कोई भी अपोजिट होगा तो वह एक साथ ना तो दिखेगा ना तो एक साथ छुपेगा, ठीक है। और कोई भी अगर सतह पड़ोसी है तो वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो ये कुछ टर्म है आपको याद रखना है। हाँ, ये हमने पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है, तो अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहली क्लास को जा करके देख लें। उसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट क्लासे हैं उन क्लास को आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो छह और तीन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे का जो अपोजिट होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्या बन पाएगा? नहीं। आप देखो यहाँ पे छह और तीन क्या है? अपोजिट। लेकिन बी वाले में क्या है? छह और तीन दोनों एक साथ छुप गए, तो ना तो एक साथ आ सकते हैं ना तो एक साथ छुप सकते हैं। इसका मतलब बी भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? सी। आप देखो सी वाले में भी एक साथ छुपे हैं, छह और तीन में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी वाला भी नहीं होगा। तो बच जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। कैसे होगा? देखो ध्यान से पहले यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो तीन, तीन का अपोजिट क्या है? छह। क्या दिखा? नहीं। अब एक का अपोजिट या तो दो होगा या तो चार होगा, तो क्या कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पांच का अपोजिट क्या होगा? पांच का अपोजिट या तो दो होगा या तो चार, तो दोनों में से कोई एक क्या दिखा? दोनों में से इसमें देखो पहले ध्यान से, दो और चार में से कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि डी बन जाएगा हमारा सही, डी हो जाएगा हमारा सही। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन हमारा सेम है लेकिन क्वेश्चन के जो पूछने का जो पैटर्न है वो अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा विकल्प हमारा सही है, थोड़ा सा टफ यहाँ पे होगा क्वेश्चन। तो ध्यान से पहले यहाँ पे अगर हम डाइस चेक करें, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ए और सी, तो टू सरफेस कॉमन यहाँ भी हो गया, तो बचा क्या? बी और एफ। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी, और बी का अपोजिट हो जाएगा एफ, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बच रहा, जो उसमें छुप गया है, क्या छुपा है देखो, तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी, या तो डी होगा या तो क्या होगा, या तो होगा ई। इस प्रकार सी का अपोजिट क्या होगा? या तो डी होगा या तो ई होगा। अब देखो अगर हम पहला चेक करें तो पहला देखो यहाँ पे बी और ई, सॉरी बी और एफ दोनों एक साथ में हैं, तो अपोजिट जो होंगे एक साथ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ए भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इस सी जो बी वाला ऑप्शन है इसमें बी और एफ में कोई है ही नहीं, इसका मतलब बी वाला भी नहीं होगा। एफ एफ है, एफ है तो क्या बी है? क्या नहीं है। अगर सी है तो क्या डी है? क्या नहीं। अगर ई है तो क्या ए है? क्या नहीं। इसका मतलब ये है कि सी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही जवाब। आगे चेक कर लीजिए, देखो आगे चेक करोगे तो डी वाले में एफ और बी में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा। सी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सभी लोग बताएं। देखो ध्यान से पहले इसमें इसमें चेक करेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी और एफ, इसका मतलब ये क्या है? टू सरफेस कॉमन डाइस है। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ देखो बच गया है, क्या बच गया देखो पहले ध्यान से, इसमें इसमें बच रहा है ए और सी बच जा रहा है ना, तो ए और सी बच रहा है, तो इसका मतलब ए और सी क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ए और सी क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इसका मतलब देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या तो ए का ए आएगा या तो सी आएगा, इसका मतलब फिक्स तो है, क्योंकि जो अपोजिट है एक साथ छुपेंगे नहीं ना एक साथ दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है? पहले वाले ऑप्शन में ए और दोनों ए और सी आ जा रहा है, और हमको पता है कि ए और सी क्या है? अपोजिट हैं, तो एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो ये वाला क्या हो? गलत हो जाएगा। उसके बाद बी वाला है, देखो बी वाले में क्या है? बी और एफ, और देखो देखो यहाँ पे बी और एफ में ए और सी में से कोई एक नहीं है, इसका मतलब बी वाला भी नहीं होगा। सी वाले में क्या है? ई और एफ, तो ई और एफ में हम जानते हैं कि यहाँ पे ए और सी में से कोई एक तो आएगा, इसका मतलब ए और सी में से सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बच जाएगा डी वाला। देखो डी वाले में ए है तो यहाँ पे ए आएगा,
और हो सकता है कि यहाँ पे ई आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। और कल की क्लास में मैं यहाँ पे सोचूंगा, या मैं चाहूंगा कि कल की क्लास में मैं जितना भी टॉपिक बच रहा है, नहीं कल की क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके टॉपिक के क्वेश्चन बच रहे हैं। जैसे ओपन डाइस हो जाएगा, तो ओपन डाइस मैं कल करवा दूंगा। ओपन डाइस में बहुत सारे ऐसे अजीब सारे डाइस आते हैं, तो मैं कुछ करवाऊंगा आपको। उसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के डाइस कैसे करते हैं, और कुछ कराऊंगा लास्ट में मिसलेनियस विविध वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप सभी लोग चैनल के माध्यम से बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।